यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गैस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है, प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, उसके अंदर हम डील करते थे। उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच होता है, पेपर 1 का भी, पेपर 2 कॉमर्स का भी। अभी तक जो है वो हम लोग ऑनलाइन बैच इन दोनों ही का प्रोवाइड करवाते थे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर, प्लस में दोनों पेपर का स्टडी मटेरियल, प्लस में दोनों पेपर के जो है वो रिविजन के वीडियोज और प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम लोग जो है वो एक नया वेंचर और स्टार्ट करें, जिसका नाम है पेपर 2 के अंदर अपना मैनेजमेंट का कोर्स। अगर बात करूंगा मैनेजमेंट के कोर्स का, जैसे कि आप सभी परिचित है इस सबसे कि मैनेजमेंट के अंदर भी जो है वो टोटल सिलेबस को 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ओके, जैसे कॉमर्स में 10 यूनिट है, वैसे मैनेजमेंट में 10 यूनिट है। तो अब हम लोग जो है वो एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्या, अपना पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का, जिनका कोर्स 17 है। तो वो कोर्स जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कोर्स के अंदर हम लोग आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट दोनों के वीडियो लेक्चर। जैसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो वीडियो लेक्चर हम लोग कॉमर्स के लिए पेपर 1 के प्रोवाइड करवाते थे, वैसे वीडियो लेक्चर पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के भी आपको मिलेंगे। प्लस में मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको मिलेगा हार्ड कॉपी के अंदर। प्रॉपर बुक्स हैं, कलर्ड बुक्स हैं, वो आपके होम एड्रेस के ऊपर आएंगे। मैं दिखा देता हूं, जैसे पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 की ये हमारी जो है वो बुक्स है, 10 किताबें हैं। जैसे ये हमारा DI का बुक हो गया, ठीक है, फिर ये हमारा जो है रिसर्च का बुक हो गया, ये हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का बुक हो गया, ये अगर बात करूँ हायर एजुकेशन का बुक हो गया। इस तरीके से जो है 10 के 10 यूनिट्स की जो है हमारी बुक है पेपर नंबर 1 की। और वैसे ही आपको मिलेगी पेपर नंबर 2 की। पेपर 2 के अंदर आपको मैंने बताया कि 10 यूनिट्स हैं, तो अभी हमारे प्रिंटिंग जो है वो होकर आई हैं 2 किताबें, तो वो दिखा दो। जैसे यूनिट नंबर 5 जो हमारी है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ये बुक आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपको टोटल मिला के 10 किताबें जो है वो मिलने वाली है। ओके, तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बहुत ही कंडेंस वे के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर फ्रेम किया है। मैं इसका दिखा भी देता हूं आपको, यूनिट नंबर 5 जो है इसका मैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दिखा दूंगा। उसी तरीके से यूनिट नंबर 1 की जो है वो बुक हमारे पास बन के आ गई है, जिसका नाम है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। पूरा का पूरा टॉपिक जो है बढ़िया तरीके से फ्रेम किया है। लगभग हर किताब जो है, हर बुक आपकी वो कोई 180 से 200 पेज की एक किताब है, ठीक है। तो टोटल कंटेंट जो है लगभग 2000 पेजेस का जो है वो कंटेंट है, जिसके अंदर हर एक चीज हमने जो है वो डाली है। पूरी स्टडी मेट जो है, पहली बात तो पूरा अप टू डेट है, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा कोई जो है वो करंट की बातें आती भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स इसका पार्ट नहीं है, उसी में ज़्यादा अमेंडमेंट होती है। तो इसमें ए टू जेड चीज़ हमने डाली है, प्लस में सारा का सारा जो है विद एक्सप्लेनेशन, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ है। प्लस जो कंटेंट हम वीडियोस के अंदर आपको शो करते हैं, वो एज इट इज कंटेंट आपको जो है वो हमारे स्टडी मटेरियल में देखने को मिलेगा। तो अलग से आपको जो है वो कुछ भी नोटिंग करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कुछ मैं सिंप्लीफाइड वे के अंदर जो लिखता हूं, वो चीजें तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बट बाकी कंटेंट मैटर को कुछ भी नोट डाउन करने का रिक्वायरमेंट नहीं। प्लस में कोई भी ग्रेजुएशन का, यूजी की या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी बुक आपको रेफर करने का जरूरत नहीं है। हर एक चीज को बिल्कुल पूरे एक्सप्लेन्ड वे के अंदर जो है हम लोगों ने इसके अंदर फ्रेम किया हुआ है। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार के लिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमारे यूनिट नंबर 5 का, जैसे मैंने आपको यूनिट नंबर 5 की एक बुक दिखाई थी, दिस इज अ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, ये जो हमारी बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस बुक के अंदर जो है ये देखिए कलर्ड बुक है प्रॉपर, और इसके अंदर आपको जो है वो क्या, पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोगों ने 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया। जैसे पहला चैप्टर है वैल्यू एंड रिटर्न का, 33 पेज का, 33 पेजेस का ये चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है कैपिटल बस्टिंग का, 22 पेजेस का है। थर्ड है डिविडेंड का, 11 पेजेस का। फोर्थ है मर्जर एक्विजिशन का, 15 पेजेस का। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, 12 पेजेस का। डेरिवेटिव का, 11 पेजेस का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 30 पेजेस का, जिसमें पूरे का पूरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, वो सब आ गया। और फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 19 पेजेस का। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ठीक है, पूरा जो कंटेंट था हमने इसके अंदर डाल दिया। लगभग कोई 160-170 पेज जो है वो ये बने हैं, ठीक है। प्लस में अब है क्या कंटेंट भी आपको मैं शो कर देता हूं यहां पे। ये देखिएगा, ये पहला है अपना वैल्यू एंड रिटर्न, जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसके अंदर 3 टॉपिक जो है वो कवर करे। मैंने यहां पे लिखा भी हुआ, देखो टॉपिक टू वी कवर्ड, ये देखना सब। इसमें एक तो टॉपिक हमने कवर किया टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक है। सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड शेयर। थर्ड इज द रिस्क एंड रिटर्न। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है हम लोगों ने बनाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ए टू जेड चीज जो है वो कवर करने की हमने इसमें कोशिश करी है। जैसे टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी की बात करता हूं, तो इसमें दोनों
ग्रोथ टेक्निक होती है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, दोनों टेक्निक को मैंने इसके अंदर डाला है। हालांकि इसका वीडियो भी जो है मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, तो आप वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जा करके, ठीक है। इसमें कंपाउंडिंग टेक्निक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक जो है वो भी आ जाएगा। ये हो गया डिस्काउंटिंग टेक्निक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसके क्या क्या रेलिवेंसी है, वो रेलिवेंसी भी हम लोगों ने इसके अंदर डाला हुआ है। परपेचुटी हो गया, एन्युटी ड्यू हो गया, ठीक है, ये सब टॉपिक जो है ग्रोइंग परपेचुटी, ग्रोइंग एन्युटी, ये सब टॉपिक हमने इसके अंदर जो है वो कवर करे हैं। फिर TVM का एप्लीकेशन कहाँ का है वो सब चीज़ हमने इसमें डाल दी है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा सेकंड टॉपिक का, दैट इज अ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड शेयर। अब अगर बात करूंगा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का, तो बॉन्ड के अंदर तीनों तरह के, इरिडीमेबल हो गया, रिडीमेबल हो गया, ठीक है, और आपके ऑप्शनल जो बॉन्ड्स होते हैं वो, हर एक टॉपिक को हम लोगों ने इसमें डाला है। कोई भी इसके अंदर जो है हमने ऐसा नहीं कि कोई चीज को हमने कम लिख दिया हो, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद एग्जांपल्स के साथ, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनके हमने एग्जांपल्स भी इसके अंदर करवाए हैं। जैसे ये कांसेप्ट हो गया वैल्यूएशन का, तो फिर वैल्यूएशन की ये बता दिया कि वैल्यू होती कौन-कौन सी है, जो सिक्योरिटीज होती हैं, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे आपका इक्विटी हो, उनकी बुक वैल्यू होती है, उनकी मार्केट वैल्यू होती है, उनकी गोइंग कंसर्न वैल्यू होती है, उनकी लिक्विडेटिंग वैल्यू होती है, कैपिटलाइज वैल्यू होती है, ये हर एक चीज को प्रॉपर्ली हमने इसमें डाला। ओके, फिर अगर बात करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या, क्योंकि इसी के बेस पर जो है वैल्यूएशन निकलती है। ओके, फिर बेसिक वैल्यूएशन मॉडल्स है वो बता रखे हैं हमने यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे। फिर स्टार्ट होता है बॉन्ड की वैल्यूएशन। अब बॉन्ड की वैल्यूएशन, अब देखो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे बॉन्ड टॉपिक तो क्या था, बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इक्विटी वैल्यूएशन, डायरेक्टली बॉन्ड वैल्यूएशन डालते हैं, लेकिन उससे पहले जो सिक्योरिटी है उसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, किस किस तरह की वैल्यू होती है, वो सब चीजें जो है हम लोगों ने इसके अंदर डाली है, ताकि पूरा आपका बेस तैयार हो। देखिए आप चाहे हमारे कॉमर्स की वीडियोस देख लीजिएगा, चाहे आप जिन बच्चों ने हमारा जो कोर्स लिया हुआ है कॉमर्स का, आप उनसे पूछ भी लीजिएगा, हमारा जो मेन पर्पस है, हम यहां पे ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ सिलेबस करवा के और मतलब भेजने का, ऐसा नहीं, हम यहां पे जो है वो चीजों को करते हैं कंसेप्चुअली, हर एक चीज इस वे में करवाते हैं। क्योंकि देखिए आप जो नेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद जो है आप एक्चुअल में करने के वाले हो, आप PhD करोगे उसके बाद भी आपको टीचिंग में जाना है, नेट करके भी आपको टीचिंग में जाना है, तो अल्टीमेटली आपको जाके पढ़ाना ही है, और पढ़ाने के लिए पहले खुद के कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मेरा यहां पे जो मेन मोटिव रहता है वो यही है कि मैं आप लोगों को सबसे मेन चीज तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा जो मेन टास्क है पेपर क्वालिफाई करने का, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, और दूसरा जब आप रियल टाइम में जाकर के जब आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेजेस के अंदर जो है वो टीच कर रहे हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि सर देखिए आप भाई, आपसे पढ़ने का एक फायदा तो हमारा पेपर तो क्वालिफाई हो गया, बट दूसरा फायदा ये पढ़ाना कैसे, वो चीज भी हमको समझ में आई है। तो मेन मैं बस ये बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपरली यहां पर हम लोग जो आपके बिल्डअप करेंगे, ठीक है। अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर कम पढ़ाई भी करी है तो भी घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, हर एक चीज को बढ़िया तरीके से हम लोग जो है वो यहां पर आपको करवाएंगे। ओके, तो यहां पर क्या है बॉन्ड वैल्यूएशन का, जैसे मैंने आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब इसमें हर तरह के बॉन्ड वैल्यूएशन के सारे मॉडल्स को जो है वो यहाँ पे मैंने कवर करे हैं, ठीक है, हर तरह के बॉन्ड्स को भी कवर किया, ठीक है। दूसरा फिर इसमें टॉपिक आता है यील्ड टू मैच्योरिटी, फिर इंट्रैक्शन जो है बॉन्ड का और इंटरेस्ट रेट का, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा या इंटरेस्ट कम होगा तो उसकी वजह से जो है बॉन्ड की वैल्यू पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है। कन्वर्टेबल जो बॉन्ड होते हैं उनका जो है वैल्यूएशन किस तरीके से होता है, जो आपके OCD हैं ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उनका वैल्यूएशन कैसे होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड उनका वैल्यूएशन कैसे होता है, हर एक चीज को बढ़िया तरीके से इसके अंदर हमने फ्रेम की है। तो कंटेंट वाइज बहुत ही बेहतरीन चीज आपको मिलने वाली है, और अगर समझाने की बात करूं सारे के सारे लेक्चर्स है मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और आप चाहे मेरे ये चैनल पे जाके देख लीजिएगा, लगभग 350+ वीडियोस मैंने अभी तक डाली हुई हैं, तो हर एक चीज को हम प्रॉपरली समझाते हैं। कोई भी चीज ऐसा रोड क्लाइंबिंग की यहां पर बात नहीं आती है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ रटवाऊंगा, ना ना ना, हर एक चीज प्रॉपरली आपको जो है वो करवाएंगे। तो जैसे आपको मैंने ये बताया, ये हमारी पहली जो है वो बुक हो गई है, फर्स्ट जो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट बुक का, तो ये हमारी जो है फर्स्ट बुक थी, तो इसके अंदर कंटेंट जो है वो क्या क्या है वो आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से 10 के 10 यूनिट्स की जो है वो स्टडी मैट आपको जो है मिलेगा, तो 10 यूनिट का तो पेपर 1 का, 10 यूनिट का पेपर 2 का आपके होम एड्रेस पे आएगा, ये सब हम आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। अब हम लोग जो आपको दे रहे हैं हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो देखो, इसको स्टार्ट से पहले मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूं, उससे पहले तो 100,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हुए थे अभी रिसेंट के अंदर, तो उसके लिए आप सबको दोबारा से जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू,
आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हम लोगों को ताकि आज हम यहां तक जो है वो पहुंच पाए डेढ़ साल के अंदर, तो उसके लिए थैंक यू। अब दूसरा जो है हम लोग अनाउंस करें मैनेजमेंट का, आपको मैंने बता दिया है मैनेजमेंट का कोर्स जून 2022 के लिए, तो अभी जो है वो चला सेप्टेंबर, अभी स्टार्ट हुआ है सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने तो इस साल के और 6 महीने अगले साल, मतलब 10 महीने की वैलिडिटी जो है आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेगी। ओके, क्या क्या आपको मिलेगा, व्हाट यू गेट, हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी जैसे आपको मैंने बता दिया, 10 किताबें पेपर वन की, 10 किताबें पेपर टू की, 20 बुक्स आपके एड्रेस पे आएंगी, कलर्ड बुक्स हैं सारे के सारे ताकि पढ़ने भी मजा आए। बहुत सारे अभी देखिए क्या, अभी जैसे ऐसा बोल रहे हैं कि अब जो है जमाना आ गया इंटरनेट का, अब जमाना आ गया ई फॉर्म का, लेकिन देखिए जो पढ़ाई ट्रेडिशनल जो किताबों के थ्रू होती है, ठीक है, तो वो पढ़ाई जो है वो पीडीएफ के थ्रू या फिर वर्ड की कोई फाइल के थ्रू जो है वो पॉसिबल नहीं है, पीपीटी कोई है पॉसिबल नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हर चीज को आप ठीक है ई फॉर्म में आप कर दोगे बट आपको लिखना पड़ेगा। मान लो मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपको उसका हिंदी वर्जन कुछ लिखना है तो वो कैसे करोगे, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो इसीलिए हम लोग जो है कोई पीडीएफ पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते, क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिलेगा विद सॉल्यूशन, ओके, लेकिन यहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे पूरा हार्ड कॉपी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हार्ड कॉपी बुक्स हैं 20 किताबें कलर्ड किताबें। दूसरा वीडियो क्लासेस मिलेगी हमारी मोबाइल ऐप पर, आपको सिंपली जो है वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है एम स्मार्ट अकेडमी, तो आपको जो है अपने मोबाइल के ऊपर जो है हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है एम स्मार्ट अकेडमी, ओके, और इसके ऊपर जो है वो आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे पेपर वन के एज वेल एज पेपर टू के, ओके, और साथ में आपको मिलेगा रिवीजन सीरीज, जैसे आपने अभी देखा भी होगा मैंने रिसेंट के अंदर बिजनेस फिनांस का प्लस में जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस का रिवीजन सीरीज जो है मैंने डाला था, ओके, तो ये पेड कोर्स में आपको ये कंप्लीट मिलेंगे, जैसे यूट्यूब के ऊपर उसका एक एक पार्ट है, पेड कोर्स में आपको ये सब कंप्लीट मिलेगा, ओके, तो ये सब मिलेगा, प्लस में प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको जो है वो ई फॉर्म के अंदर मिलेंगे, बाकी जल्दी हम लोग जो है हमारा एमसीक्यूज का पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है सिस्टम बना होता है यूजीसी के पेपर के अंदर एनटी जो कंडक्ट करवाता है उसी तरीके उसी फॉर्मेट के अंदर हम लोग जो है वो इसको भी लेके आ रहे हैं। तो अभी के लिए आपको क्या-क्या मिलने वाला है हमारे कोर्स के अंदर, दैट इज द फर्स्ट इज ऑफ हार्ड कॉपी बुक्स 20 बुक्स प्लस में वीडियो क्लासेस जिनका वैलिडिटी रहेगा 30 जून तक के लिए, प्लस में मिलेगा रिवीजन सेशन, ओके, और मेन बात जो वीडियोस आपको मिलेंगे अभी 17 अक्टूबर तक आपको डेली की दो वीडियोस मिलेंगी और उसके बाद डेली की 4 वीडियोस हो जाएंगी, ओके, तो हम लोग जो है वो जैन तक जो है वो कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जनवरी तक कोर्स कंप्लीट उसके बाद फिर रिवीजन, हालांकि रिवीजन की वीडियोस मैं स्टार्टिंग से ही जो है वो शुरू भी कर दूंगा, तो आप जो है वो जैसे कोर्स आपका चलेगा साथ साथ रिवीजन भी आपको मिलती रहेगी, ओके, तो आपका पूरा का पूरा जो है वो चीजें जब तक पेपर में जाओगे तब तक 3 से 4 बार आपकी गो थ्रू भी हो जाएंगी, तो ये चीज आपको जो है मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग में ऐप पे डाल दिए तो आप उनको जो है वो देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। बाकी क्वेरी का जो सिस्टम रहेगा उसके लिए आपको जो है अलग से नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप क्वेरी को जो है वो आप ले सकते हैं क्वेरी भी, ओके, पहले ये था कि हम लोगों ने टीम बिठाई हुई थी क्वेरी के लिए, लेकिन अब मैं खुद जो है वो हैंडल करता हूं क्वेरी को, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। प्लस में एनरोलमेंट कैसे करवाना है, तो ये हमारा नंबर है 7407 1750, नीचे भी नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर के ऊपर जो है आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको एक टेम्पलेट सेंड करेंगे, पूरी डिटेल जो है वो आपको भेजा जाएगा, कैसे आपको एप्लीकेशन का लिंक भी दिया जाएगा, तो वहां पे जाकर के आपको जो है वो क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, उस पे रजिस्टर करना है, देन वहां पे सेंड अप्रूवल रिक्वेस्ट के ऑप्शन होगा, उस पे आपको क्लिक करना है, तो ये सब आपको जो है वो मिलेगा। दूसरा अब बात आती है फीस की, सर फीस क्या है, 10 मंथ्स की वैलिडिटी, 20 बुक्स हार्ड कॉपी के अंदर जिसके साथ में वीडियो लेक्चर प्लस में रिविजन वीडियोस प्लस में प्रैक्टिस एमसीक्यूज, उसका फीस हमने जो है मैनेजमेंट कोर्स का रखा है ₹13,000, 13,000 के अंदर आपको पेपर वन प्लस में पेपर नंबर टू मैनेजमेंट ये सब आपको मिलने वाला है, और पेपर नंबर टू मैनेजमेंट अगर आप कोई बच्चा ये बोलता है मुझे पेपर नंबर वन नहीं लेना सर, तो उसके लिए जो है वो ₹12,000 हमारी जो है वो चार्जेस है, तो ये प्राइस है, ठीक है, नॉट नेगोशिएबल, ये फिक्स प्राइसेस है, पहले हमने बहुत ही जो है वो कम रखे हैं क्योंकि प्रिंट बुक जो है जो हमारे बुक्स हैं वो सारे के सारे कलर्ड बुक्स हैं, उनकी कॉस्ट हमारी बहुत सारी है, लेकिन क्या है कि क्वालिटी हम लोगों ने जो है वो प्रोवाइड करवाने, तो उसके लिए जो है वो हम लोग ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ओके, ये फीस हो गया। अब जो स्टडी मटेरियल है वो हम यहां से आपको डिस्पैच करवाएंगे, आप अभी से एनरोलमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं, ₹13,000 फीस है, ओके, आज है वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे से, क्योंकि हमारी जो ये है हमारी 2 बुक्स जो है प्रिंट होकर आई है और कुछ बुक्स अभी पेपर वन की भी हमारी जो प्रिंटिंग में गई हुई है, तो ये बुक्स जो है अभी इनके और लोट भी आने हैं, तो आप हम जो है वो नेक्स्ट वेडनेसडे से जो है बुक्स डिस्पैच का काम करेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई ना रुके, तो उसके लिए हम आपको जो है पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, ओके, तो 1 हफ्ते के बाद जो है वो यहां से स्टडी में डिस्पैच हम करवाएंगे, लगभग 4 से 5 दिन में जो है वो स्टडी में पहुंच जाता है। पैन इंडिया जो है वो हमारी डिलीवरी है, आप इंडिया के किसी भी कौन से अंडमान निकोबार से लेकर के आप चाहे कश्मीर से बोल रहे हो, ठीक है, चाहे कश्मीर से आप पढ़ रहे हो, तो हर जगह पे जो है हम लोग डिलीवरी करवाते हैं। हाँ ये बात अलग है, अगर आप कहीं रिमोट एरिया
में रहते हैं तो वहां पर डिलीवरी एक दो दिन लेट हो सकती है, लेकिन जिस दिन आप पेमेंट करेंगे, जिस दिन आप कोर्स का एनरोल करेंगे, वेरी सेम डे हम लोग यहां से जो है बुक्स डिस्पैच करवा के उसका स्लिप आपको कुरियर कर दें, व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, तो ये प्राइस हो गया। ओके, और बुक्स का आपको मैंने सिस्टम जो है वो बता दिया, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर दिया हुआ, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स क्या रहेगा, पेमेंट किस पे करना है, तो वो सब जो है हम आपको टेम्पलेट के अंदर जो है बता देंगे। ओके जी सर, एक मेरा गारंटी है कि ऐसा कंटेंट प्लस में इस तरीके से जो है पढ़ाई, मैं ये कहता हूँ बहुत ही, मतलब मैं और उसे कंपेयर नहीं करूंगा खुद को, ठीक है, क्योंकि हर कोई हर एक का जो है वो अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन मेरा कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि मैंने इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत करी है। बहुत पहले बैच को लॉन्च करना था, लेकिन क्या है कि कंटेंट में मेरे को खुद को वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। ओके, तो अब मैंने कंटेंट खुद से बनाया, इतना जबरदस्त हमारा कंटेंट है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे यूनिट 5 आपको मैंने दिखाया, इसको बनाने में 4 बुक्स की हमने जो है वो हेल्प ली है, 4 बुक्स से स्टडीमेट जो है हम लोगों ने जो है वहां से मदद ली है, उसको फिर हमने मॉडिफाई किया है और हमने बनाया। उसी तरीके से अगर फर्स्ट यूनिट की बात करता हूं, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है टोटल मिला के 180 पेज की हमारी बुक बनी है फर्स्ट यूनिट की, और उसके अंदर जो मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की, उसकी किताब को बनाने के लिए 7 बुक्स की हम लोगों ने जो है वो हेल्प ली है। तो कंटेंट वाइज जो है आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत बेहतर कंटेंट मिलेगा, और पढ़ाने के अंदर तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेसिक वे के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। क्लासेस जो रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहती है, बेसिकली मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चलती हैं वो, तो प्योर इंग्लिश वालों के लिए नहीं है जी, देखिए इतने हम अंग्रेजी नहीं है कि प्योरली इंग्लिश के अंदर पढ़ा सकें, तो जैसे हम पढ़ाते हैं उसी तरीके, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे उसी तरीके से हम लोग जो है वो पढ़ाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले अगर कोई बच्चे जो ये बोलते हैं कि सर कंटेंट किस में, कंटेंट प्योर इंग्लिश में लेकिन पढ़ाते हिंदी में, तो आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके जी सर, इसके अलावा पेपर नंबर 1 एक्सक्लूसिवली अगर आपने परचेस करना है तो वो भी आप ले सकते हैं, और उसकी फीस भी हम आपको बता देंगे। और पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर हम लोग डील करते हैं, उसके भी जो है वो कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप वो एनरोल करना चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई भाई बंधु है एनरोल करना चाहते हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं। ओके जी सर, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और अलॉटमेंट आपसे स्टार्ट हो गया तो आप करवा लीजिए, जितना जल्दी करवाएंगे उतना जल्दी कोर्स को असेस भी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये आप कीजिए, और अब मिलेंगे, इसकी वीडियोस अब मैं डेली बेसिस पे डालूंगा ताकि आपको और भी अच्छे से जो पता चले कितने बढ़िया तरीके से हम लोग आपको पढ़ाते हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।